नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान। बात तो बिल्किस बानो के केस की है, लेकिन पहले कुछ और नाम सुनिए। जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केसर वोहनिया, प्रदीप मोडिया, बाका भाई वोहनिया, राजू सोनी, नितेश भट्ट और रमेश चंदाना। ये वो नाम है जो बलात्कार और हत्या के दोषी करार दिए गए, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, पर इनके नाम बेहद कम लोग जानते होंगे। लेकिन जिनके ये अपराधी हैं, उन बिल्किस बानो का नाम आप दर्शकों को पता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसे जानकर आप सोचेंगे कि देश के सुप्रीम कोर्ट के साथ भी फ्रॉड हो जाता है क्या। ये मेरे शब्द नहीं है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनमें से एक दोषी राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट के साथ फ्रॉड किया। कैसे मामला फ्रॉड तक पहुंचा, पहले उसका छोटा सा बैकग्राउंड सुनिए। बिल्किस बानो के बलात्कार और उनके परिवार की हत्या 2002 के गुजरात दंगों की एक भयानक कहानी है। 3 मार्च 2002 को बिल्किस अपने परिवार के साथ दंगाई भीड़ से बचकर एक ट्रक में छिपकर भाग रही थी। उनके साथ उनकी 2 साल की बच्ची थी और वे उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। एक हथियारबंद भीड़ ने उस ट्रक पर हमला बोल दिया, उनका बलात्कार किया गया, उनकी 2 साल की बच्ची को मार दिया गया, उनकी माँ को मार दिया गया, उनके परिवार के 14 लोग मार डाले गए। जिन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया, वे उनके आसपास के ही लोग थे, इसलिए वे उन्हें पहचानती थीं। उसके बाद ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने जाती है तो पुलिस ने उसे डरा धमकाकर भगा दिया। उसके बाद वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पहुंचती हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी। फिर बिल्किस को धमकियां मिलने लगी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनका केस गुजरात से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके बाद उनका केस महाराष्ट्र में ट्रांसफर हुआ। मुंबई के स्पेशल कोर्ट में 19 लोगों के खिलाफ मामला शुरू हुआ। जनवरी 2008 में उनमें से 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली। गैंगरेप और हत्या के मामले उन पर साबित हुए। सीबीआई ने तो 3 लोगों के लिए फांसी की सजा तक मांगी थी। दोषियों ने इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली, लेकिन 2017 में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ये सजा सही है। कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, ये लोग गुजरात की जेल में सजा काट रहे थे। अब दोबारा बात कहां से शुरू हुई। इन कैदियों में से एक राधेश्याम शाह ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनकी मांग थी कि उन्होंने लगभग 15 साल जेल में बिता लिए हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 432 और 433 के तहत उनकी सजा कम की जाए। आपको बता दूं कि ये जो सेक्शंस हैं, इनके मुताबिक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि जिस सरकार को इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार है, वो किसी दोषी की सजा को कुछ वक्त के लिए टाल सकती है, कम कर सकती है या सजा में कुछ रियायत दे सकती है। गुजरात हाई कोर्ट ने 2019 में ये अपील खारिज कर दी थी। अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि इस पर निर्णय करने का अधिकार केवल उपयुक्त सरकार का है, यानी कि इस केस में केवल महाराष्ट्र सरकार निर्णय कर सकती है क्योंकि महाराष्ट्र में ट्रायल चला था और फैसला आया था। लेकिन कैदी राधेश्याम शाह ने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि उनकी सजा कम की जाए। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि गुजरात सरकार इस मामले को देखे और फैसला ले। सरकार ने एक कमेटी बना दी और उस कमेटी के सुझाव पर अगस्त 2022 में इन 11 कैदियों की सजा कम करके इन्हें रिहा कर दिया गया। एक बात और नोट कीजिए कि अगर सरकार सेक्शन 432 433 के तहत किसी की सजा कम करना चाहती है तो उस कोर्ट के जज का भी ओपिनियन लेना होता है जिस अदालत से सजा सुनाई गई हो। अगर वो जज रिटायर हो गया हो तो आज की तारीख में जो भी वहां का प्रिजाइडिंग जज है तो उसकी राय ली जाए। हालांकि ये जरूरी नहीं होता कि सरकार को उसकी राय माननी ही पड़ेगी, लेकिन सरकार को अपना फैसला लेते वक्त इसे कंसीडर करना चाहिए। और इस केस में मुंबई के स्पेशल कोर्ट के प्रिजाइडिंग जज ने सजा कम करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के मई 2022 के फैसले को चुनौती देते हुए बिल्किस बानो ने एक रिव्यू पिटीशन दायर की जिसे खारिज कर दिया गया था। बिल्किस बानो फिर से कोर्ट गई जिसे इस बार कंसीडर कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा कि वो सारे ओरिजिनल रिकॉर्ड्स लेकर आए जिनके आधार पर सजा कम करने का फैसला किया गया है। 12 अक्टूबर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया। ये फैसला आज जस्टिस बी वी नागरत्ना ने सुनाया है। उनके फैसले की कुछ अहम बातें। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने इन 11 लोगों को रिहा करने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अपराधियों के पास 2 हफ्ते का वक्त है सरेंडर करने के लिए, यानी उन्हें दोबारा जेल जाना होगा। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर सेक्शन 432 की बात करें तो जहां अपराध हुआ या जहां अपराधी जेल में है वो इररेलीवेंट है। इस सेक्शन के तहत जहां ट्रायल हुआ और जहां सजा मिली, वहां की सरकार ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ये फैसला लेने के लिए। इस मामले में गुजरात सरकार को ये फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार अपराधी के साथ मिली हुई थी। ऐसी ही आशंका इस केस के शुरुआती दौर में भी थी और इसलिए 3 बार कोर्ट को सच और इंसाफ के लिए बीच में आना पड़ा।
कोर्ट ने तब सीबीआई को जांच सौंपी थी और ट्रायल को मुंबई के स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया था। कोर्ट ने कहा कि अगर गुजरात सरकार को कानून के प्रावधानों का ख्याल होता और कानून मानना होता तो खुद वो रिव्यू पिटीशन डालती कि वो इस मामले में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है। गुजरात सरकार ने अपने अधिकार से बाहर काम किया, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। ये एक क्लासिक केस है जहां इस कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल कानून का उल्लंघन करने के लिए किया गया। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि गुजरात सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट के मई 2022 वाले फैसले के बाद ही अपना फैसला लिया था। उस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि दोषी राधेश्याम शाह के रिट पिटीशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। उसने अपनी याचिका में महत्वपूर्ण फैक्ट्स छिपा लिए थे, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन, प्रिजाइडिंग जज का ओपिनियन और कई भ्रामक बयान थे। कोर्ट ने कहा कि दोषी ने कोर्ट के साथ फ्रॉड किया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अदालतों को ध्यान रखना चाहिए कि जस्टिस है क्या। ये कोर्ट की ड्यूटी है कि मनमाने फैसलों को जल्द से जल्द ठीक करे और जनता के भरोसे की नींव को बरकरार रखे। हम इन दोषियों के कंडक्ट को अनदेखा नहीं कर सकते, खासकर उसके जिसने इस कोर्ट की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया। इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि ये अपराधी 14 साल तो जेल में रहे, लेकिन उन्हें बहुत उदारता के साथ फरलो और परोल दी गई। इन दोषियों की आज़ादी के अधिकार की याचिका हम मंजूर नहीं कर सकते। देखने वाली बात है कि ये सब एक ऐसे केस में होता है जो इतना चर्चित है। कितने ही एक्टिविस्ट, नेता, पत्रकारों की इस पर नज़र है। कितने ही लोगों ने इस केस पर अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन फिर भी इस केस में देश की सर्वोच्च अदालत के साथ फ्रॉड हो जाता है, फैक्ट छिपा लिए जाते हैं, गुजरात सरकार कानून जानते हुए भी फैसला ले लेती है, अपराधी छोड़ दिए जाते हैं, फूल मालाओं से स्वागत होता है और विक्टिम को 2 दशक बाद नए सिरे से संघर्ष करना पड़ता है। सोचने वाली बात है कि फिर उन केसेस का क्या होता होगा जो इतने चर्चित नहीं होते, और जिन्होंने इस केस में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, क्या उन्हें कोई सजा मिलेगी।